हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज को और जानेंगे कि कौन से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला नोटिफिकेशन आया है वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हिसार से आया है, जो कि एक ग्रेड ए नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को मांगा है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो भी पोस्ट मांगी है वो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो यहाँ पे आपको जितने भी सब्जेक्ट मिलेंगे वहाँ सब में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 600 रुपीज़ है और 150 है फॉर SC, BC, EBP, ESM, PWD एंड ₹300 फॉर फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अप टू 7 जनवरी 2021 तक है फॉर्म द कैंडिडेट फुलफिलिंग UGC AICTE क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखिए, यहाँ पे जो लास्ट डेट 7 जनवरी है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, दे कैन अटेंड द इंटरव्यू अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, 1 लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड 5 कॉपीज ऑफ प्रिंट ऑफिशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डुल्ली फील्ड इन द ऑफिस ऑफ वाइस चांसलर फॉर अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो लाइक जो पोजिशन हमें निकाली है वो सब कॉन्टैक्ट बेसिस पे ही है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के लिए जो यहाँ पे पोस्ट भी मेंशन कर रखी है और साथ ही साथ जो स्पेशलाइजेशन वो भी यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल, बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये 1 पोस्ट है और स्पेशलाइजेशन आपका जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर आप जो हैं शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर ऑब्टेन बाय देम एज पर क्राइटेरिया बिलोंग बाय द UGC इन द रेशियो एज अंडर। ठीक है, तो 1 पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 2 पोस्ट के लिए 13 को, 3 पोस्ट के लिए 16 को। ठीक है, और जिन बच्चों को या जिन लोग कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, दे हैव टू अटेंड द इंटरव्यू एज पर डेट और लिस्ट टू बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑन 11 जनवरी। तो यहाँ पे 11 जनवरी को जो है लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी कि कितना का जो है किने किने शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये सब आप देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका अगर अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, तो दे विल गेट द पेड सैलरी फ्रॉम द कंटीजेंसी ऑफ द यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट रेंजिंग फ्रॉम 30,000 to 35,000। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो एमोलमेंट दिया जाएगा वो 30,000 to 35,000 पर मंथ दिया जाएगा और ये जो है डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सुटेबिलिटी की बेस को। और इन्होंने साफ मेंशन कर रखा कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो वेरी कर सकती हैं, तो कोई फिक्स पोस्ट नहीं है, तो वो जो है इन्हें जो है आगे बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन आया है भारतीय विद्यापीठ से, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये भी एक नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है और जो NIRF रैंकिंग वो 63 है 2020 की। तो यहाँ पे देखिए, जो भारतीय विद्यापीठ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पुणे में है, इसका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी वो माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोकेमिस्ट्री में मांगी है। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट भी मेंशन कर रखे, तो ईच इज हैविंग 1 पोस्ट। तो अगर बात करें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द 7-point स्केल। इसके अलावा जो है आपका नेट भी, आपका CSI या UGC नेट भी होना चाहिए, या आपने कोई भी स्लेट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो है वो पास होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने रिलैक्सेशन देंगे, अगर 5% रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST कैटेगरी से या हैंडीकैप है तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे आपको जो है जिस दिन नोटिफिकेशन आया उससे 15 डेज के अंदर जो है इसके लिए जो है वो अप्लाई करना है, ऐसा इन्होंने मेंशन करा, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो फी पे करनी है वो 100 रुपीज़ जो है कैश ओनली, यानी कि 100 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आप जो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आया है। तो यहाँ पे देखिए, जो बायो सब्जेक्ट है वो बायोमेडिकल साइंस और यहाँ पे जो पोजीशन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एडॉक बेस है। तो यहाँ पे SC के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 1 और जो यहाँ पे डेट दे रखा वो दे रखा है Friday, January 8, 2021। तो 8 जनवरी Friday को 2021 को आप डायरेक्टली जो इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं और जो टाइमिंग वो 11 AM यहाँ पे मेंशन कर रखी है और जो मेन्यू रहे वेन्यू रहेगा वो रहेगा आपका प्रिंसिपल ऑफिस।
तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप डायरेक्टली जो इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे इस वेन्यू पे पहुँच के जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है हमारा प्रतिभा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड कंप्यूटर स्टडीज़ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर लाइब्रेरियन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को निकाला गया है। सब्जेक्ट जो उन्होंने मेंशन कर रखे कॉमर्स, बीबीए, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, तो सारे सब्जेक्ट उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो अब अगर आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन वो एज पर यूजीसी और यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे जो डिजायरेबल चीज़ है वो है आपके इंग्लिश फ्लुएंसी, तो आपके इंग्लिश जो है यहाँ पे बहुत ही फ्लुएंस होनी चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, नॉट मैंडेटरी बट डिजायरेबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है jobs@pratibhagroup.org.in पे, या आप जो है अपनी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की वो भी सेंड कर सकते हैं टू द प्रिंसिपल एट द कैंपस एड्रेस डॉक्टर दीपक शाह, सेक्रेटरी कमला एजुकेशन सोसाइटी, और जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर रखा है Block D3 Plot No. 3 बिहाइंड मेहता हॉस्पिटल ऑफ मुंबई रोड चिंचावड़ पुणे, तो ये दोनों मेंशन कर रखे। तो आप अगर अपना सॉफ्ट कॉपी भेजना चाहते हैं तो मेल आईडी भी मेंशन कर रखे, अगर आप हार्ड कॉपी भेजना चाहते हैं तो एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आया वो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसे आया है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन AEI बायोटेक्नोलॉजी, CE, CSE, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ डिजाइन, तो इन सब के लिए जो है एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर की वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए एलिजिबिलिटी भी मैंसन कर रखी है कि अगर प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपका PhD डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट एट आइदर UG और PG लेवल में होना चाहिए, और आपको मिनिमम 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका जो PhD डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, या फर्स्ट क्लास डिग्री और इक्विवेलेंट UG और PG में, और आपको यहाँ पे 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपके सैलरी या बेनिफिट्स की, तो वो आपको यहाँ पे जो है एज पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बेस पर मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको करना कि आपको इस नोटिफिकेशन के दिन से 10 दिन के अंदर जो है आपको अपना CV जो है अलॉन्ग विद योर टेस्टिमोनियल्स और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उन सबको आपको सेंड करना है hrd@heritage.edu.edu पर, ठीक है। तो अगर आप कुछ डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.heritage.it.edu पर भी लॉगिन करके भी आप इसकी डिटेल नॉलेज देख ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।